ओके, दिख रहा है सबको ना? तो तुम सर, चलिए आवाज मेरी क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस गूगल मीट के इस मंच पर। जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करते हुए इस प्लान को शो कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लेंगे सुविधा के अनुसार। गणेश जी का वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि क्षमा प्रभा निर्विदम दम कुरु मदेवा सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्ते करते हुए मैं प्राण को स्टार्टअप ले रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। चरण स्पर्श करते हुए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, दोस्तों वेलकम टू पर्लवा इंटरनेशनल। जाग हो गई है पीर पर्वत सी, अब हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। जो सीने में आग है दोस्तों, आग अब जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, क्योंकि पर्लवाइन के होते हुए सभी को तकदीर बदलनी चाहिए, सभी को तकदीर बदलनी चाहिए। वेलकम टू पर्लवा इंटरनेशनल, नेवर एंड प्रोग्राम है सर। इसको विजिट कर सकते हैं आप, www.parlavine.com में विजिट कर सकते हैं आप इसको, कि नेवर एंड सिस्टम कैसे है। नेक्स्ट, पर्लवा इंटरनेशनल एक ग्लोबल लॉन्चिंग हुआ है दोस्तों, यूएसए टेक्सास ऑस्टिन सिटी, नंबर 1105, दिसंबर 2015 से स्टार्टअप हुई दोस्तों। इन इंडिया कमिंग 2018 में फुली स्टार्टअप हुई। अवेलेबल इन द 139 कंट्री प्लस है दोस्तों। नेक्स्ट, मैं इस कार्यकर्ता इन परमात्मा को मैं नाम स्मरण करने से पहले मैं एक शायरी के साथ लेना चाहूंगा कि कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, उस फलक के आसमां पर, उस परमात्मा ने जिस धरती पर लाया, उस आत्मा का नाम है डॉक्टर डेनियल जॉनसन, जो पर्लवाइन सिस्टम बनाया और गरीब को अमीर, अमीर को करोड़पति बनाया। थैंक यू दोस्तों। इस फाउंडर का नाम है डॉक्टर डेनियल जॉनसन, फ्रॉम यूएसए से रहने वाले हैं। विजनरी हैं, दूरदर्शी इसको बोल सकते हैं, काल्पनिक बोल सकते हैं, इसको वैज्ञानिक का बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ है, और ये दोनों विजनरी मैथमेटिशियन के सहायता से इस सिस्टम को ये हमारे सामने प्रमोट किए गए हैं। नेक्स्ट, पर्लवा इंटरनेशनल एक रोबोटिक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम, सोशल नेटवर्क एंड ई कॉमर्स वेबसाइट पर आधारित है दोस्तों। जैसे हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, पेटीएम, एसबीआई, योनो, उसी तरह से हमारा पर्लवाइन है दोस्तों। नेक्स्ट, पर्लवाइन का अर्थ होता है दोस्तों मोतियों का हार। जिस तरह एक एक मोती को जोड़ने से मोती की एक लड़ी बन जाती है, उसी तरह एक एक व्यक्ति को यहाँ जोड़ा जाता है और एक विशाल समूह बन जाता है दोस्तों। एक बार जब व्यक्ति इस प्रणाली में शामिल हो जाता है तो दोस्तों इसमें हमेशा के लिए जुड़े रहता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ बिंदु है, कुछ पाठ है जो पर्लवा सिस्टम के जानने के बारे में बहुत जरूरी है। एक सबसे पहले इस बिंदु में पहला लेवल में है कि यह सिस्टम किस टाइप का है, यह सिस्टम कैसा बिजनेस है, यह सिस्टम किस पर आधारित है, कैसे हम इस पर काम कर रहे हैं, फील्ड में कैसे निकल रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन मार्क आते रहे वहां पर, कुछ बिंदु वहां पर बताया गया। जैसे एक नंबर में ये एक एफिलिएट बिजनेस मार्केटिंग है बिना सामान का। दो नंबर में आपका ये रेफर एंड इरन के सिद्धांत पर काम करती है, यानी बोलने से काम करती है। आप किसी को बोलेंगे आपको पैसा मिलेगा, ये काम करती है। तीन नंबर में नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क नो लाइबिलिटी। आप इस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है, कोई लाइबिलिटी आपका नहीं है, क्योंकि 22-50 आप देते हैं सिस्टम को एक दान के रूप में, महाकल्याण के रूप में, और किसी को सहयोग के रूप में आप इसको यहाँ पर प्रमोट करते हैं। इसीलिए कोई नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क नो लाइबिलिटी। कोई पेयर पेयर बीबी बीबी मैच नहीं करना, कोई प्रोडक्ट्स नहीं करना, यहाँ सिर्फ पेयर बीबी बी बीबी बीबी नहीं है, यहाँ पर कोई मैच नहीं करना है, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। पहले ही बोल दिया था मैं, ए एक एफिलिएटेड बिजनेस है। छह नंबर में आपका ए कोई आरओआई क्वाइन नहीं है। सात नंबर में कोई समय सीमा नहीं है, जब जागो तब सवेरा, कोई टाइम बाउंड नहीं है, जब चाहिए तब आप सिस्टम को प्रमोट करिए, जब सिस्टम से आप पैसा निकालिए, जब सिस्टम को चाहिए तो सो जाइए, डोंट वेरी, आपके ऊपर समय पर निर्धारित किया गया है सिस्टम। आठ नंबर में डेली वीकली क्वार्टरली मंथली क्लोजिंग नहीं है, किसी तरह का कोई डेली वीकली क्वार्टरली मंथली क्लोजिंग नहीं है, बस। फिर नौ नंबर में पे आउट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, मतलब इसका इनकम विद इन 1 सेकंड में आपको मिलता है और 1 सेकंड में मिलता है दोस्तों। 10 नंबर में आपका ग्लोबल वर्किंग इनकम, यह है आपका ग्लोबल वर्किंग इनकम, जो 140 कंट्री प्लस में जो चल रही है वहां से हमारी इनकम बनती है दोस्तों, जी हाँ। 11 नंबर में टोटल वर्क फोन मोबाइल फोन से, जितना आप वर्क करेंगे
मोबाइल से बैठे बैठे अंगूठी घुमा घुमा के पैसा कमा सकते हैं इस सेक्टर से। इस तरह से टोटल वर्किंग आप फोन मोबाइल फोन से करते हैं। 12 नंबर में नो पैरामेंट चैन मेंबर स्कीम, किसी तरह से कोई चैन नहीं बनाना है, किसी तरह से कोई मेंबर को मेंबरशिप का स्कीम नहीं बनाना है। दोस्तों ये इस तरह का कुछ महत्व बिंदु है जो सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है, जो इसके लिए हम फील्ड में उतरते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। वाव, पर्लवा इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, दोस्तों ये बहुत इंपोर्टेंट भाग है, इसको पार्ट को मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दूंगा क्योंकि इसको बताना बहुत जरूरी है। आने वाला समय इसी की जानकारी लेने वाले हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर से हम लोग जुड़े हैं डिजिटल इंडिया का, डिजिटल क्रांति के साथ, तो इस सॉफ्टवेयर का हाई सिक्योरिटी के बारे में जरूर जानेंगे। एक नंबर में दोस्तों हाईली सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है पूरा हाईएस्ट है जिसको कोई हैक नहीं कर सकता है, एक डिजिटल इंडिया का डिजिटल क्रांति सॉफ्टवेयर है दोस्तों। दो नंबर में वन सर्वर एंड डोमेन, मतलब कहने का था इसका अपना सर्वर है, अपना डोमेन है, जिसको domain.com में जाके आप इसका पूरा डिटेल आप जान सकते हैं। तीन नंबर में डिसेंट्रलाइज वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वेबसाइट है दोस्तों। एक सिस्टम किस वक्त कैसा निर्णय इसको किसी को खबर नहीं होता, इसलिए बिंदास इसलिए आपको को ओनर बनाया जाता है सिस्टम में, जो ताकि आप सिस्टम को समझ सकें। चार नंबर में पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी, आपको पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सिस्टम नेवर एंड है आपको, क्योंकि ये सिस्टम पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी यानी कि पूरा नेट के माध्यम से काम करता है, हर एक टेक्निकल पर काम करता है, जैसे बैंक बैंक में रिचार्ज में हवाई टिकट में आपका गैस बिल वगैरह, जो पेयर टू पेयर जो टेक्नोलॉजी से काम करता है उस सारे से जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों, ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे साथ बना हुआ है। पांच नंबर में अनलिमिटेड क्लाउड स्टोर, इसमें इतना स्टोर है आप जितना काम करेंगे, जितना मतलब इसमें आप अकाउंट खोलेंगे चाहे जितना ट्रांजेक्शन करेंगे सारा बहुत ज्यादा अनलिमिटेड स्टोरेज है, मतलब उसको हम लोग भर नहीं सकते, उसको हम पूरा कर नहीं सकते हैं। छह नंबर में टेक्निकल टीम सपोर्टेड है, इसके साथ कुछ फ्रैक्शन बने हुए हैं, कुछ टीम सपोर्टेड है इनके साथ में जो मिलकर इसका हम लोग को साथ दे रहे हैं सिस्टम के बारे में। सात नंबर में सर्वर प्रोटेक्शन, सर्वर प्रोटेक्शन क्या सर, क्लाउड फेयर सर्वर सिक्योरिटी, क्लाउड फेयर सर्वर सिक्योरिटी NSDDoS प्रोटेक्शन SSL सर्टिफिकेट, दोस्तों ये थोड़ा सी पॉइंटेड बोल बाती है लेकिन इसको नेक्स्ट में कभी हम रखेंगे तो जानना जरूरत है। आठ नंबर में वेब मेल सर्विस पीवी मेल, ये पीवी मेल आप अपना आईडी में बना के अकाउंट बना के आप वेब मेल से सर्विस से आप सिस्टम के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। नेक्स्ट वाव, पर्लवा इंटरनेशनल डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, दोस्तों डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, दोस्तों आप यहां पर अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको शुभ नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और जो आपके करीबी जो रेफरर उनका आईडी, दोस्तों ये चार प्रोसेस आपके साथ गुजरेंगे जिसमें आपको $30 यानी 75 रुपया इंडियन करेंसी के हिसाब से 2250 रुपया लाइफ में वन टाइम आपको लगेगा। अगर $20 और आप देते हैं यानी कि ₹1500 आप देते हैं यानी कि टोटल $50 आप 75 से मल्टीप्लाई 3750 रुपया आप देते हैं तो पर्ल भी बनते हैं और कोरल भी बनते हैं दोस्तों, तो पर्ल भी बनते हैं सॉरी पर्ल भी बनते हैं और एगट भी बनते हैं दोस्तों। $30 से आप पर्ल बन जाएंगे, $20 से आप एगट बन जाएंगे। कोशिश करें कि 50 DP से ज्वाइनिंग उठाएं, 50 DP से काम करने की कोशिश करें और इसमें एक अकाउंट नंबर मिलेगा जो 12 डिजिट का रहेगा और चॉइस पासपोर्ट, पासपोर्ट आपके मुताबिक रहेगा, आप जैसे पासपोर्ट रख सकते हैं वैसा आपको जनरेट किया जाएगा यहाँ पर। थैंक यू, नेक्स्ट दोस्तों, जब अकाउंट आपके ओपन हो जाती है तो उस अकाउंट का वैलिडिटी क्या है, अकाउंट कितना पावरफुल है इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी आपको देंगे। एक नंबर में दोस्तों 12 अंकों वाला ग्लोबल डिजिटल अकाउंट, एक ग्लोबल अकाउंट खुल रहा है, एक ग्लोबल डिजिटल अकाउंट खुल रहा है। दो नंबर, कोई मिनिमम बैलेंस और आवश्यकता नहीं है इसमें, कोई मिनिमम बैलेंस कोई बैलेंस इसमें रख नहीं रखना है दोस्तों। तीन नंबर में कोई मेंटेनेंस फीस नहीं है, कोई मेंटेनेंस देना है कि नहीं हमको रद्द टर्नओवर करना ही है इसमें। चार नंबर में वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर है दोस्तों। पांच नंबर में फ्री पासबुक सुविधा है। छह नंबर में बैंक ट्रांसफर सुविधा है। सात नंबर में OTP और ईमेल वेरिफिकेशन है। आठ नंबर में फ्री मैसेज सभी ट्रांजेक्शन के लिए, मैसेज का पैसा एक भी यहां पर नहीं लगेगा, आप फ्री में मैसेज कर सकते हैं सारा चीज। नौ नंबर में ईमेल सुविधा टेक्निकल सपोर्ट के लिए 24 घंटे उपलब्ध है, आप इस ईमेल से बात करके टेक्निकल सपोर्ट से लेके आप 24 घंटा में कभी भी आप इसका फायदा ले सकते हैं, 24 घंटा में कभी भी इस सिस्टम के बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। इस तरह का आपका अकाउंट ओपनिंग होने जा रहा है, इस तरह अकाउंट का आपका पावर फ्यूचर मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, पर्लवा इंटरनेशनल टाइप ऑफ इनकम बेनिफिट पार्ट,
आप सिस्टम में अकाउंट ओपन करा दिए दोस्त, अकाउंट का पावरफुल भी देख लिए। अब इनकम की ओर चलते हैं दोस्त। आपके साथ दो तरह के इनकम जनरेट किया गया है सिस्टम में, पहला पैसिव इनकम, दूसरा एक्टिव इनकम। दोस्तों पैसिव इनकम उसको बोलते हैं जो बिना काम किए हमको पैसा बनता है, यानी उस पर हम लोग काम नहीं करते हैं और उससे हमको पैसा बनता है। जिसे एक नंबर में बोला गया दोस्तों, पर्ल प्लस रूबी ग्लोबल ऑटो पुल इनकम। पर्ल प्लस रूबी ग्लोबल ऑटो पुल इनकम, आप पर्ल बनते हैं, आप रूबी तक भी जाएंगे तो उसका जो ऑटो पुल बनेगा ग्लोबल से, वो आपको बिना काम किए बनेगा, वो आपके अनुसार्स नहीं, सिस्टम अपनी ओर से जिसे कहते हैं पैसिव इनकम, वहां से आपको बनेगा बिल्कुल। बोनंजा 2020 दोस्तों, दो नंबर में आपका एगेट प्लस एक्सेलसियर ऑटो पुल इनकम, वहां भी आपको एगेट से लेके जो एक्सेलसियर बोनंजा 2020 में करेंगे वहां का भी ऑटो पुल मिलेगा दोस्तों। वो सिस्टम आपको देगी जिसमें हम लोग नहीं काम करते, वो सिस्टम अपनी तरह से प्रमोट करती है हम लोगों को बिल्कुल। तीन नंबर में फ्यूचर फॉर्चून बायलेट, फॉर्चून बायलेट में आप भाग बटवा जिसे बोलते हैं दोस्तों, हमारा किस्मत अच्छा है कि हमारे सिस्टम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, हमारे लिए कुछ सोच रहा है दोस्तों, हम लोग को बहुत बड़ा उपलब्धि मिल रही है। फ्यूचर वॉलेट हमारे साथ लॉन्चिंग किया गया जिसमें भाग हमारे भाग में जो है तो हमको मिलने जा रहा है। कहते हैं दोस्त, कर्म न बाधि के मा फलेषु कदाचना, भाग भी उदय होता है दोस्त जो कर्म के साथ चला। दोस्तों फ्यूचर वॉलेट हमारे साथ इस साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। दो नंबर में चलते एक्टिव इनकम में क्या क्या इनकम है सर आपका। एक नंबर में रेफलर इनकम, दो नंबर में आपको फास्ट ट्रैक इनकम, तीन नंबर में टीम परफॉर्मेंस इनकम, चार नंबर में बोलंजा टीम परफॉर्मेंस इनकम। चार तरह के इनकम आपका एक्टिव में आता है दोस्तों, और तीन तरह के इनकम आपका अनएक्टिव में मतलब पैसिव इनकम में आता है दोस्तों। नेक्स्ट पर्ल इंटरनेशनल एक्टिव रेफलर इनकम, आप अगर एक्टिव पर्ल हैं, आप अगर एक्टिव पर्ल हैं तो आप नीचे डाउनलोड में किसी को पर्ल बनाते हैं, किसी को डॉलर में आप पर मतलब विद इन वन सेकेंड में आपको 15 डीपी प्लस सावा डॉलर इजकल टू 16.25 डॉलर आपको विद इन वन सेकेंड में बनता है दोस्तों, जिसको इंडियन करेंसी में 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 1218.75 रुपये आपको एक अकाउंट से बनता है दोस्तों। आप रेफलर अनलिमिटेड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना आप अनलिमिटेड रेफलर कर सकते हैं दोस्तों बिल्कुल। दोस्तों पर्ल इंटरनेशनल आप पर्ल हैं, आपका टीम परफॉर्मेंस इनकम आपको ये मिलेगा 8 लेवल से, अगर आपके डाउनलोड में 8 लेवल तक जाता है सारे डाउनलोड में से 1.25 डॉलर आपको मिलेगा, यानी टोटल आपको 10 डॉलर 10 से 75 से प्रति प्लस 750 रुपया प्लान ए का ही है टीम परफॉर्मेंस। नेक्स्ट दोस्तों पहले आप पहले पाव के सिद्धांत पर कार्य करती है ऑटो पुल हमारी। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा गया है कि आप पर्ल बनते हैं उस समय जो टाइम होता है, जैसे 1 बजा है आप उस समय ज्वाइनिंग करते हैं, उसके बाद 140 देशों में कहीं भी ज्वाइनिंग होता है, यानी कि 1:01 पर। उसी तरह उसी के आधार पर ऑटो पुल बनता है और 4K मैट्रिक से सजता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग 4K मैट्रिक से थोड़ा देख लेते हैं। अगर 4K मैट्रिक हमारे नीचे ग्लोबल से आती है तो 1 आदमी से 0.10 डॉलर, यानी 4 आदमी से 0.40 डॉलर इंडियन करेंसी में 30 रुपया। लेवल 2 में दोस्तों 4 का 4 16 उतरेगा दोस्तों, तो पर हेड 1 डॉलर आपको मिलेगा, यानी कि 16 डॉलर, यानी कि आपको 1200 रुपया इंडियन करेंसी में। तीन लेवल में मिलेगा दोस्तों 64 आदमी आएंगे तो 1 डॉलर पर हेड मिलेगा, यानी 64 डॉलर, यानी कि 4800। चौथा लेवल में आपको 256 आदमी उतरेगा 4K मैट्रिक से, तो पर हेड 1 डॉलर, यानी कि 256 आपका लगभग 19,200। पांचवा लेवल में 1024 आदमी, यहां से दोस्तों क्या करता है सिस्टम, आपको 3 लेवल 1 डॉलर करके मिलता है, और पांचवा लेवल से आपको 1 डॉलर से हाफ करता है दोस्तों, मैंने 0.50 डॉलर, यानी कि 512, यानी कि 38,400 रुपया इंडियन करेंसी में। छठा लेवल में आपका जब सजेगा ये 4,096 व्यक्ति, तो पर हेड मिलेगा आपको 0.50 डॉलर, यानी कि 2048 डॉलर, जिसको इंडियन करेंसी में आप करेंगे तो 1,36,600 रुपया। सातवां लेवल में दोस्तों आपको 16,384 आदमी आएगा, पर हेड आपको 0.50 डॉलर मिलेगा, जो टोटल डॉलर होता था 8,192 डॉलर, जिसको इंडियन करेंसी में 61,400 रुपया। लास्ट लेवल है दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल लेवल आपका लेवल 8, 65,536 आदमी, जब ग्लोबल से आपके पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा दोस्तों, तो लास्ट लेवल पर हेड आपको 0.50 डॉलर मिलेगा, जिसको 32,768 डॉलर बोलते हैं हम लोग, उसको इंडियन करेंसी में करेंगे 24 लाख
57,600 रुपया, यानी कि टोटल दोस्तों हम इंडियन करेंसी में करेंगे तो 32,89,230 रुपये बनता है ऑटो पुट से हमारा, और हमारा पूरा $5 जो कटता है दोस्तों, बताया गया आप जो पर्ल है सिंबल बना हुआ आपका रेफलर करते हैं $15 आपको मिलता है, टीम परफॉर्मेंस $10 में चला जाता है, ऑटो पुल में $5, टोटल डीपी आपका 30 डीपी, जिसे पूरा डिस्ट्रीब्यूट 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है दोस्तों, $5.10 कंप्लीट आपके सामने दृश्य में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देख के आप समझे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, पहले पाव के सिद्धांत पर ऑटो पुल कार्य करती है, उसी तरह कोई भी रैंक जो भी आप रैंक लेंगे वो भी पहले आओ के सिद्धांत पर काम करेगी दोस्तों। यहाँ बताया गया है दोस्त कि आप टोटल 20 फ्रंट चाहिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो परसों, आपको 20 फ्रंट देना ही होगा दोस्तों। इस सिस्टम आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार जो जुड़ जाता है हमेशा के लिए जुड़ा रहता है। बिल्कुल दोस्तों, 1 से लेके 20 फ्रंट आपको चाहिए। अगर आप 30 डीपी से पर्ल बने थे तो 32 लाख के ऑटो पुल में शामिल हुए थे, 4 अकाउंट खुलाने के बाद 50 डीपी से अपग्रेडेशन करके आप कोरल बनेंगे तो 131 करोड़ के ऑटो पुल में जाएंगे, 2 प्लस करेंगे उसमें तो 100 डीपी से आप ओनेक्स बनेंगे तो आपको 3 करोड़ 93 लाख के ऑटो पुल में शामिल होंगे, फिर प्लस 2 करेंगे और 1000 डीपी से क्वाच बनेंगे तो आप 39 करोड़ के ऑटो पुल में शामिल हो जाएंगे, फिर प्लस 2 करेंगे और 5000 डीपी से अमेथिस्ट बनेंगे तो आप 196 करोड़ के ऑटो पुल में शामिल हो जाएंगे दोस्तों। पर्ल, कोरल, ओनेक्स, क्वाच, एमेथिस्ट, यहां तक आपको 10 आदमी चाहिए, और बाकी रूबी, सॉरी आपका टोपाज और प्लस रूबी, ये दोनों में +10 लिखा हुआ है, जिसमें दोनों में पार्ट में आपको 10 अकाउंट चाहिए चाहिए तब आप टोपाज और रूबी का रैंक को ले सकते हैं। अगर आप टोपाज लेते हैं तो 300 करोड़ का ऑटो पुल में जाते हैं, और रूबी लेते हैं तो 786 करोड़ का ऑटो पुल में जाते हैं दोनों। जो भी आप रैंक लेंगे उस रैंक का ऑटो पुल पहले आप पहले पाव के सिद्धांत पर भी काम करता है दोस्तों, जिस तरह हमारा पर्ल करा था, सिंबल में आपको बताया गया 1 से लेकर टोटल 20 फ्रंट आपको करना है। नेक्स्ट यह फास्ट ट्रैक इनकम, समझने आपका दिमाग आईक्यू टेस्ट बहुत तेज होना चाहिए, क्योंकि मैं फास्टली अकाउंट बता रहा हूं, आप जितना जल्दी हो सके सिस्टम में बने रहिएगा और हमेशा मीटिंग में आते रहिएगा ताकि आपको ये पूरा जानकारी मिलते जाएगा। एक बार में कोई चीज नहीं, एक बार में कोई पहलवान बना है नहीं, एक बार में कोई बलवान बना है दोस्तों, बराबर बने रहिए सिस्टम में मिलेगा दोस्तों। फास्ट ट्रैक इनकम दोस्तों, फास्ट ट्रैक इनकम लेने के लिए आप जिस रिंग का लेवल का इनकम मिलेगा आपको लेवल में अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको उस लेवल में अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी कि आप संजय हैं तो आपको संजय ही बनाना पड़ेगा तभी आप संजय से मुलाकात कर सकते हैं, वो हो गया आपका दोस्तों। आप ऊपर में हैं, आप पर्ल बनाते हैं अपने डाउनलाइन में तो 1 पर्ल से आपको रेफरल मिलता है 15 डीपी, यानी आप 4 अकाउंट खुलाते हैं 4 अकाउंट से 60 डीपी, यानी कि इंडियन करेंसी में 4,500 रुपया। आप 4 ही बनाते हैं और 4 का मेट्रिक से उतरता है दोस्तों, आप फिर 4 का नीचे का अगर ओनेक्स कोरल बनाते हैं तो 1 कोरल से आपको 20 डीपी बनेगा, लेकिन बस दोस्तों आपको कोरल होना अनिवार्य है। तो 20 डीपी से आप बनते हैं तो 16 आदमी अकाउंट ओपन होता है 4 का मेट्रिक से, टोटल से आपको 320 डीपी बनेगा, जिसमें 24,000 रुपये इंडियन करेंसी में। थर्ड लेवल में आप ओनेक्स बनाते हैं, थर्ड लेवल में किसी को ओनेक्स बनाते हैं तो 40 डीपी से आप पर हेड आपको मिलेगा, टीम आपका खड़ा होगा 64 का, जो 2560 डीपी होगा 19,192 रुपया इंडियन करेंसी में। माइक किसका बंद खुला हुआ उसको म्यूट कर दीजिए। 4 क्वाच नंबर, चौथा लेवल में किसी चौथा लेवल में कोई क्वाच करता है आपका, आप अगर क्वाच है तो 1 क्वाच से आपको $400 मिलेगा और टीम साइज आपका होगा 256 और टोटल डॉलर पर 256 आदमी से $400 आपको मिलेगा, यानी कि $1,24,000, यानी कि 76,80,000 रुपये इंडियन करेंसी में। आपका पांचवा लेवल में कोई एमेथिस्ट होता है और आप एमेथिस्ट में है तो आपकी टीम साइज अगर 4 के मेट्रिक से 1,024 आदमी उतरा और 1 आदमी से आपसे $2,000 मिलेगा, यानी कि टोटल 20,48,000 डॉलर, जिसका इंडियन करेंसी में 15,36,00,000 रुपया होता है दोस्तों। छठा लेवल में आप अगर टोपाज करते हैं और आप टोपाज हैं, आपका छठा लेवल में कोई टोपाज करता है तो 1 टोपाज से आपको $4,000 मिलेगा, पर 4 का मेट्रिक से 4,096 आदमी उतरेगा, पर हेड 4,096 आदमी से पर हेड आपको $4,000 मिलेगा, यानी कि 1,64,84,000 डॉलर इंडियन करेंसी में गुना करेंगे 1 अरब 22 करोड़ 88 लाख रुपया दोस्तों, बहुत
बड़ी इनकम है यहाँ पर, लेकिन माइंड को एक्टिव करके करना है दोस्तों, हबड़ा के काम नहीं करना है दोस्तों, है ना। लेवल लास्ट लेवल है, लास्ट एंड फाइनल लेवल है आपका है रूबी, जिसको आप रूबी है आप। अब नीचे में आपका सातवां लेवल को रूबी कर रहा है, तो पर हेड आपको 8,000 डॉलर मिलेगा, यानी कि टोटल टीम साइज आपकी खड़ा होगी 16,384 आदमी, एक आदमी से आपको बनेगा 8,000 डॉलर। उसी तरह से 16,384 आदमी से 8,000 डॉलर बनेगा, यानी कि टोटल 13,10,72,000 डॉलर खड़ा होता है दोस्तों। उसको 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9,83,04,00,000 रुपया दोस्तों, बहुत बड़ी रकम दोस्तों। हम लोग फर्स्ट डेक पर ध्यान देंगे, करने का प्रयास करेंगे, लाइफ पर्सनैलिटी लाइफ चेंजिंग स्टार है दोस्तों। तो नेक्स्ट में चलते हैं दोस्त। वाओ, एग्जाम्पल में बताया हूँ दोस्तों, अगर आप ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ चार का मेट्रिक से अकाउंट ही खुलाते हैं, अगर आप चार खुलाते हैं तो एक आदमी से $1,25 करके मिलता है। एक टीम परफॉर्मेंस का आपका ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चार का अकाउंट खुलाते हैं एक आदमी से $1,25, यानी पांच आदमी से आपको बनता है, सॉरी पांच आदमी से आपको बनता है $5, यानी कि 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 रुपया। उसी तरह लेवल टू में चार का मेट्रिक से 16 उतरेगा, 16 आदमी से $1,25 मिलेगा, यानी $20 इंडियन करेंसी में 1,500 रुपया। लेवल थ्री में आप 64 उतरेगा, $1,25 मिलेगा, यानी कि 6,000 लगभग लगभग। एक मोटा मोटी जान लीजिए कि चार का मेट्रिक से उतरेगा दोस्तों, टोटल आदमी होता है 87,380 आदमी, और आपका $10 बनता है टोटल इतना आदमी से, यानी कि 1,09,276 डॉलर, 1,09,276 डॉलर। उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81,91,875 रुपया सिर्फ टीम परफॉर्मेंस दोस्तों, सिर्फ $1,25। बहुत छोटी रकम है लेकिन बहुत बड़ी रकम है दोस्तों, ये चार का मैट्रिक्स है। अगर आठ का मैट्रिक्स का 10 का मैट्रिक्स रहेगा तो ये आपका घर भर जाएगा, और इसी से हम लोग जिंदा हो जाएंगे और लाइफ जियेंगे मस्त दोस्तों। नेक्स्ट पाओ, बिग बोनांजा 2020 ग्लोबल लॉन्चिंग 7 फरवरी 2020 में हुई थी 9:30 बजे। ऑल अचीवर यू द हु आर यू द एनी रैंक, मतलब आप कोई भी रैंक को आप अचीव कर सकते हैं बिना आईडी लगाए हुए दोस्तों। यहां पर पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर बोनांजा का भी ऑटो पुल काम कर रहा है। जिस तरह पर्ल कोरल होने स्क्वाच अमेथिस्ट रूबी टॉपाज, उसी तरह से हमारा यहाँ बोनांजा 2 का जो भी रैंक है, एगेट एमेजोनाइट अंबर बैरिल एक्सेसियर, ये जो भी है जिस रैंक पहले पाओ का सिद्धांत यहाँ भी करता है। अगर लेवल एन में आप एगेट करते हैं $20 से आप तो 65 लाख के ऑटो पुल में शामिल होते हैं। लेवल टू को भी आप लेते हैं एमेजोनाइट को 40 डीपी से तो 1,96,00,000 के ऑटो पुल में शामिल हो जाते हैं। लेवल थ्री में आप अंबर करते हैं 100 डीपी से 4,83,00,000 के ऑटो पुल में शामिल होते हैं। लेवल फोर में आपको बैरिल बनते हैं $200 से तो 9,83,00,000 के ऑटो पुल में शामिल होते हैं। और लेवल फाइव लास्ट लेवल बैरिल जो एक्सेलसियर जो अभी आया है नेक्स्ट में दोस्तों, बहुत लाजवाब है, अभी जो नहीं किए हैं बिल्कुल करने का प्रयास करिए, आने वाला समय में एक्सेलसियर ही सबको राजा बनाने वाला है दोस्तों। लेवल फाइव में एक्सेलसियर आप करते हैं 500 डीपी से, यानी तो आपका 19,66,00,000 के ऑटो पुल में आप शामिल हो जाते हैं दोस्तों। टोटल 860 डीपी लगेगा आपको, और 37+ आगे क्या करोड़ को ऑटो पुल में आप शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बॉन्ड लगा हुआ है कि आपका अगर एगेट का ऑटो पुल लेना है तो एमोजोनाइट बनना पड़ेगा, एमोजोनाइट का ऑटो पुल लेना है तो आपको अंबर बनना पड़ेगा, और अंबर का ऑटो पुल लेना है तो बेरिल बनना पड़ेगा, बेरिल का ऑटो पुल लेना है तो एक्सेलसियर बनना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट में एक्सेलसियर का ऑटो पुल लेने के लिए हम लोग को ओनेक्स तक पहला प्लान ए का पहला रैंक लेना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट बोनांजा टीम परफॉर्मेंस इनकम डाउनलाइन में प्लान बी में आप टीम परफॉर्मेंस अगलेवल में कोई आपका डाउनलाइन में कोई भी व्यक्ति एगेट करता है ए तो आपको 1 डीपी मिलता है, लेकिन दोस्तों आप पर्ल हैं तो 1 डीपी आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें डोंट माइंड डोंट फ्री रहिए आप। लेकिन बोनांजा टीम परफॉर्मेंस लेने के लिए प्लान ए करने के लेना अनिवार्य है, यानी प्लान ए में एगेट बनते हैं तो आप तो पर्ल हैं ही आपको मिलेगा, लेकिन लेवल टू में कोई व्यक्ति आपका डोनो में एमोजोनाइट करता है और आप कोरल नहीं है तो आपका फ्लेक्स कर जाएगा 2 डीपी। 3 नंबर में अंबर कोई करता है तो आप 5 डीपी मिलेगा, जहां पर आपको ओनेक्स होना अनिवार्य है, ओनेक्स नहीं रहेंगे तो आपका फ्लेक्स हो जाएगा 5 डीपी। लेवल 4 में आपको बैरिल कोई करता आपके नीचे डाउनलाइन में कोई तो आपके एक बैरिल से 10 डीपी मिलेगा, लेकिन आपको क्वाच होना अनिवार्य है दोस्तों।
5 नंबर में एक्सेलसियर कोई करता है 20 डीपी मिलेगा आपको, टीम परफॉर्मेंस लेके आपको एमेथिस्ट होना है जरूरी है तो मिलेगा आप 20 डीपी, नहीं तो सब फ्लेक्स कर जाएगा। इसीलिए आपको पहला वाला ए प्लान ए का रैंक लेना अनिवार्य है दोस्तों। टोटल ए वन अकाउंट का है, एक व्यक्ति का इनकम है यानी 38 डीपी यानी 2850 रुपया ओनली फॉर वन अकाउंट से आपको बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट फॉर्च्यून वॉलेट मंथली दोस्तों, ये हम लोग का मंथली के अनुसार से चल रहा था इसलिए मंथली इसको प्रमोट कर रहा हूँ मैं आपको। लेवल वन में अगर कोई पर्ल बना है तो दोस्तों 1 डीपी पर मंथ उसको मिल रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए इसको लगता है अभी क्लोज कर दिया गया, इसको मिल नहीं रहा है तो शायद अभी तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन आने वाले समय जब तक PFD फाइल नहीं आता है कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। लेवल टू में दोस्तों आप कोरल बनते हैं तो आपको पर मंथ 1.5 डीपी बनता है या स्टार्टअप है ये मिल ही रहा है सभी को। लेवल थ्री में ओनिक्स आप बनते हैं 2 डीपी मिलता है पर मंथ। आप लेवल फोर को क्वाच लेते हैं तो 5 डीपी बनेगा पर मंथ। आप लेवल फाइव मने एमेथिस्ट बनते हैं तो 12 डीपी मिलेगा पर मंथ। लेवल आप 6 लेते हैं यानी टोपाज तो आप 25 डीपी आपको मिलेगा पर मंथ। लेवल 7 में आप अगर रूबी बनते हैं तो 50 डीपी मिलेगा पर मंथ दोस्तों। जो भी रैंक लेंगे उस रैंक का पर मंथ आपको उसी रैंक का मिलेगा, ऐसा नहीं कि पर्ल का 1 डीपी है, कोरल का 2 डीपी 1.5 डीपी है तो आप ओनिक्स बने हैं तो प्लस करके आपको मिलेगा। नो दोस्तों, जो एक ही रैंक का एक ही इनकम एक ही मंथली मिलते रहता है दोस्तों। कहते हैं दोस्तों लाइफ चेंजिंग स्टार फॉर्च्यून वॉलेट है यार, करोड़पति बनने का सुनहरा मौका, लाइफ टाइम इनकम दोस्तों। सभी कोई बोले हरे हरे पर्ल बन जावे, घरे घरे थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। तो सो द प्लान मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच हमारे होस्ट को, मैं कहूंगा कि हमारे बीच आए और अपनी वाणी को रखे, अपना होस्टिंग को स्टार्टअप लें। नमस्कार दोस्तों, अभी इतनी अच्छी बारीकी से हमारे द ग्रेट लीडर श्री विजय मिर्जा जी ने आप लोग के सामने इतने अच्छी तरीके से जो पलवा इंटरनेशनल का प्लान जो आप लोगों को दिखाया, ये काबिले तारीफ है। मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में समझ में आया होगा, क्योंकि पलवा इंटरनेशनल का रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है वो सौदा प्लान है। हम काम का ये काम सौदा प्लान, इन प्लान को सुन के आप जरूर लाभ लेंगे। कहना है दोस्त, खुद ही को कर बोला नितना के खुदा भी खुद बंदे से पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। अपने आप को अंदर से इतना मजबूत कर लेना मेरे दोस्त कि आपकी जितने भी ख्वाहिशें हैं जो भी सपने हैं आप पार्लियामेंट इंटरनेशनल के स्टेज से आप सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये मेरा आशा और विश्वास है। और एक बात कहना चाहता हूँ दोस्त कि सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो ख्वाब आप वो ना तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी आपको, सितारे चुनने के लिए जमीन ना छोड़ना, हौसले अपने अपने हौसले के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच बना दे हमको हम मंच खुद बना लेंगे। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ अब परमान इंटरनेशनल को करते जाए और अपने ख्वाबों को पूरा करते जाए। आने वाली पीढ़ी को अगर हम लोग कुछ दे सकते हैं तो प्यार दुलार और सबसे अहम चीज होता है कहते हैं मनी इज बेटर देन। अगर हम पैसा छोड़ के जाए तो हमारे आने वाले बच्चे आगे की ओर निश्चित तौर पे जाएंगे। इस मीटिंग को आगे लिए चलते हैं हम। मैं रतन लाजवार फ्रॉम डोमराबाग मारा से बिलोंग करता हूँ और मैं पलवान पलवान प्रणाम करता हूँ और इस गूगल मीट के माध्यम से आए हुए तमाम जावाज लीडरों को मैं नमस्कार करता हूँ। और आशा विश्वास के साथ मैं
सूचना दे रहा हूँ कि आप लोग बीच में ही जो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं तो कृपया आप ना जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमारे ग्रेट अप्लाइंस से आपको सुनने को मिलेगी, शायद आपकी जिंदगी में वो थोड़े सपने को पूरा करने में मदद करेगी। और मैं इसी भक्तों के साथ मैं इस मीटिंग को आगे ले जाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ऐसे जावाज लीडर को इस मंच पे बुलाने का निर्णय लिया हूँ। कमान ऑन द स्टेज राम नरेश कश्यप सर, अपनी बातों को शेयर करेंगे और अपने वाणी से हम लोग बात करेंगे, आगे का दिशा निर्देश देंगे। राम नरेश कश्यप सर कमान ऑन द स्टेज। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं राम नरेश कश्यप डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ सर, और मैं अपने गुरु जी विजय विलास जी को सहयोग से धन्यवाद देता हूँ। हमारे ब्रेन विजय विलास जी हैं जो आज इस गूगल मीटिंग के माध्यम से हमको जानकारी देते हैं और हर बात से अवगत करवाते हैं। सर मैं इनको कोट कोट नमन करता हूँ और मंच में जितने लोग उपस्थित हैं लीडर सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं राम नरेश कश्यप यूपी से हूँ, मुझे 1.5 साल और मैं आरडी खोले हुए हो गया है सर। सर मैं छोटी सी एक कहानी के साथ में स्टार्टअप करता हूँ, अगर गलती हो जाए तो उसे क्षमा करिएगा सर। छोटा भाई जानकर बहनों भाइयों से अनुरोध है कि गलती हो तो माफ करना। श्रीमद् भागवत के माध्यम से एक कहानी सर हमने सुनी थी, उसी जो है कहानी को आपके बीच जो प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक छोटी सी चिड़िया थी सर, वो चिड़िया जो है समुद्र के किनारे अपना घोंसला बनाकर रहा करते थे। एक दिन की बात है कि उसके जो है छोटे छोटे अंडे रखे हुए थे और समुद्र की लहरों ने उन्हें अपने में शामिल कर लिया। चिड़िया जब दाना चुन कर बाहर से आई तो चिड़िया को अपने अंडे नजर नहीं आए। उस चिड़िया के मन में विचार उठा कि मेरे अंडे कहाँ गायब हो गए, क्या हुआ। तो उस अंडे को ढूंढने के लिए समुद्र के पास चिड़िया गई और बोली, हे समुद्र महाराज, क्या मेरे अंडों को आपने देखा है। तो समुद्र उपस्थित हुआ और अपनी जो है अट्ठाहस की आवाज में हंसते हुए कहा, नहीं मैंने जो है छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ, छोटी छोटी चीजें नहीं देखता हूँ। तो चिड़िया के मन में बहुत जो है दुख हुआ और उसके जो है अंडे गायब हो चुके थे। चिड़िया ने कहा कि मैं अपने मन में इतना संकल्प करती हूँ, हे समुद्र, मैं तुझे सुखा दूंगी और तुझे एक एक बूंद बाहर करके अपने अंडे ढूंढ लूंगी। उस दृढ़ विश्वास के साथ चिड़िया उस समुद्र को अपने चोंच में पानी भरती और बाहर निकलती। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, चौथे दिन कीड़ियों का पक्षियों का जो है समूह आ गया और वो पक्षियां पूछती है, ये क्यों उड़ रही हो, क्यों क्या कर रही हो ये। तो वो कहती है, बहन मेरे जो है अंडे इस समुद्र ने अपने जो है लहरों में ले लिया है, मैं अपने अंडे समुद्र से लेना चाहती हूँ, इसलिए इसे मैं सुखा दूंगी। मन में विश्वास था और जो है उसके मन में दृढ़ विश्वास बना हुआ कि मैं इसे सुखा दूंगी और मैं अपने बच्चों को ले लूंगी इनसे। तो चिड़िया जो है और यही प्रक्रिया करती रही, अपनी चोंच से पानी भरती बाहर करती, चोंच से पानी भरती बाहर करती। तो सभी बच्चे कहते हैं, अरे समुद्र को उड़ना कोई आसान चीज है, नहीं आसान नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। वो साथ सभी पक्षी जो है साथ समुद्र भाग जाती है और वो चिड़िया जब सब भाग जाते हैं तो एक बूढ़ा पक्षी रह जाता है। वो कहता कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन मैं
आपकी मदद करूंगा, आपके साथ में हूँ। तो वो भी अपनी चोंच में पानी भरता और बाहर निकलता। ये देख करके बहुत बड़ा समूह एकदम चिड़ियों का, और वो सब मिल करके समुद्र का पानी जो अपनी चोंच में भरती है बाहर डालती। ये देखकर बच्चियों के राजा तरुण महाराज देखते हैं और पूछते हैं एक बच्ची से, अरे भाई ये क्या चल रहा है, इसमें क्या ही कर रहे सब लोग। तो एक बच्ची कहती है, भाई मैं नहीं महाराज, मैं नहीं जानती हूँ। एक बच्ची जो है अंडा जो है समुद्र अपनी लहरों में ले लिया, इसलिए इसे पानी को अलग कर रही हूँ और अंडे उसको दिलवाना चाहती हूँ, दिलाऊंगी मैं, विश्वास करके आपने बोली। तो गरुड़ महाराज विचार करते हैं ये तो असंभव है, समुद्र को चोच में पानी भर करके बाहर उलझना ये असंभव है, नहीं हो पाएगा। गरुड़ महाराज जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु से विनय करते हैं, विनती करते हैं, हे महाराज एक चिड़िया के अंडे को समुद्र अपनी लहरों में ले लिया है और वो परिश्रम करती है, संसार की जितनी पक्षी है वो सारी पक्षियां मिल करके समुद्र को सुखाना चाहती है, ये महाराज संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो पाएगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु अपने जो है पक्षी के यत्र विश्वास और संकल्प के साथ में उसका विश्वास देखते हैं और जाते हैं, भगवान स्वयं जाते हैं, कहते हैं समुद्र महाराज से विनती करते हैं कि हे समुद्र महाराज, आप जो अपने पानी को समेट लीजिए और इसके अंडे वापस कर दो। समुद्र महाराज उपस्थित होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हैं, कहते हैं ठीक है महाराज, मैं अपने जल को अपने में एकत्र कर लेता हूँ और अंडे बाहर कर देते हैं। जब दृढ़ विश्वास के साथ में पक्षी समुद्र से अपने जो है अंडे ले सकती है, तो मैं तो एक इंसान हूँ, मेरे पास एक थोड़ा 250 ग्राम का दिमाग है, उस दिमाग के लगाए और दिल लगाए तो अपनी कामयाबी अपने कर्तव्य के अनुसार अपनी कामयाबी को हम पा सकते हैं, अपनी मंजिल पा सकते हैं। इस ये भगवान की देन है या बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो आज इस मीटिंग में मैं इतना बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। हमारे विजय बिल्डर जी जो है हमको इतना बताए हैं लेकिन इतना बताए हैं कि हम कह नहीं सकते हैं, अपने जो है उम्र भर अगर दे दें तब भी हम ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और विजय सर मेरे जो है बोलने का आश्रय विजय सर को जाता है, विजय सर मुझे जो प्रेरित करते हैं, कहते राम नरेश बोलना सीखो, अगर बोलोगे तभी पैसा कमाओगे, बोल नहीं पाओगे पैसा नहीं कमा पाओगे। तो हम तो एक ही बात कहता हूँ कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं, मैं अमीर बनूंगा। मेरे मन में जय संकल्प है और आगे बढ़ने की जनून है, मेरे सीने में आग है, मैं आग जो है सबके सीने में लगा दूंगा। यही मेरी आखिरी जो है गाड़ी है और इसी गाड़ी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। इनको नमन करता हूँ, ऐसे महान लीडर महान आत्माओं को जो मेरी बात को सुने हैं, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राम नरेश सर, आपने इतनी सुंदर वाणी से, इतनी सुंदर कविता से, इतनी सुंदर कहानियों के साथ हम लोग को जो एंटरटेनमेंट करने का जो काम किया है वाकई माइंड ब्लोइंग। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, क्योंकि आपके अंदर वो हौसला अफजाई है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। मैं आपके ऊपर एक बात जरूर कहूंगा सर कि कोई साथ दे ना दे चलना तू सीख ले, कोई साथ दे ना दे चलना तू सीख ले, हर आग में से हो जाएगा वाकिफ चलना तू सीख ले, कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझको, मंजिल की तरफ हर मुश्किल का सामना करना तू सीख ले। और मैं
आपके लिए एक डेलीगेट बंदी और कहता हूँ कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गुंज होनी चाहिए, जीत की गुंज होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राम नरेश सर कि आपने इतनी सुंदर वाणी से हम लोगों को सुनाने का जो काम किया है, तहे दिल से मैं और पलवान लेकर की ओर से मैं आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, ये सारी शुभकामनाएं, और मैं मीटिंग को आगे लिए चलता हूँ। दोस्त मैं इस मीटिंग को आगे ले जाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने द ग्रेट लीडर जो हमारे बहुत ही सराहनीय रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे समझ के साथ आप लोगों एक से शायरी के साथ और एक से मोटिवेशनल के साथ वो आप लोग कितनी बारीकी से जो समझाते हैं माइंड ब्लोइंग है उनके बारे में। मैं उनके लिए तो सब जरूर कहूंगा कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो हक होकर रहेगा, तो फिर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर। और मैं बुलाना चाहूंगा ऐसे महान लीडर को जो हमारी जारी शक्ति है, मैं उनके लिए लगातार भाव यही कहूंगा कि माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो तो कभी पत्नी है वो, जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, शक्ति है वो, प्रेरणा है वो, नमन है सब नारियों का जो जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ देती है वो। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर तो जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है, और मैं इन्हीं के साथ मैं आवाज देने जा रहा हूं द ग्रेट लीडर मिस सुनीता मैम, सुशीला मैम, सॉरी सुशीला मैम, तो कम ऑन बिहाइंड और कम ऑन माय स्टेज मिस सुशीला मैम, आपका स्वागत है और अपनी सुंदर वाणी से हम लोगों को दिशा निर्देश है, तो कम ऑन माय स्टेज। सबसे पहले मैं इस मंच पर बैठे सभी गुरु और महागुरु को प्रणाम करती हूँ। क्योंकि गुरु ना, क्योंकि महागुरु ना होते तो गुरु ना होते, और गुरु ना होते तो हमारे जैसे शिष्य ना होते। सर मेरा नाम सुशीला देवी है, मैं बागमारा प्रखंड के बिलोंग करती हूँ। मेरे इस सिस्टम में ग्रामीण का काम मैंने हो चुका है और मेरा रैंक है ऑनर्स प्लस एक्सेलसीएफ, और मेरे एक्सेलसीएफ का दौर आ चुका है। सर आज मैं एक चुटकुले से मीटिंग का शुरुआत करूंगी। उल्लू को दिल में दिखाई दे तो इसमें सूरज का क्या दोष, लोगों को अच्छे दिन में दिखाई दे तो इसमें मोदी जी का क्या दोष। सारी मैं सारी बोलना चाहूंगी, जमीन जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के टक्कर में कोशिश करो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। सर आज मैं आप लोगों को लीडर की मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही प्रेरणादायक है। अफ्रीका महाद्वीप में लीडर की कई खानों में खोज हो चुकी थी, जहाँ से बहुत पर्याप्त मात्रा में हीरे प्राप्त हुए थे। वहाँ के एक गांव में रहने वाला किसान
अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वो किसान भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था एक दिन उसी खेत के मध्य बहुत ही छोटी सी छोटी नदी पर गया। अचानक उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वही पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र तुम इस पत्थर की कीमत भी जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं। उस किसान का मित्र बोला, मेरे ख्याल से ये हीरा है। शायद अब तक के खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उसका खदान का नाम हिमालय डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी। जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तक थी। सर इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हीरे पहले किसान के कदमों तक थी, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया। उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जैसे हमारा पर्वन इंटरनेशनल ये ऐसा सिस्टम है जो किसी हीरे से कम नहीं। जिस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में हीरे की कई खाने हैं, उसी प्रकार अमेरिका के टेक्सास स्टेट और ऑस्टिन सिटी एक खान से हमारे पास लाया गया है और उन्हें लाने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डेनियल जॉनसन है जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं और वे डॉलर के रूप में हीरे भेज रहे हैं जिन्हें हम बेचकर अमीर बन सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित ही हमें मिलेगी। इसी के साथ मैं एक शायरी बोलना चाहूंगी। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जीत पर होती है। धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने इस सीजन कविता को मोटिवेशन करने का काम किया है। माइंड में दिल को छू लिया आपकी बातों ने, वाकई हम लोगों को धैर्य और हिम्मत के साथ पंद्रह इंटरनेशनल में जुड़े रहना है। वाकई डेनियल जॉनसन साहब ने, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और हाथ से बधाई दूंगा कि पूरे विश्व मानव, पूरे विश्व मानव जाति के लिए उन्होंने जो हम लोग के पास डायमंड भेजा है, वाकई वो डायमंड नहीं है, ये क्या है, पर्ल, कोरल, ऑनिक्स, टॉपाज, सब डायमंड है। बस हम लोग उसको समाज में रखने की जरूरत है, उस डायमंड को कैसे हम हासिल करें ये सोचने की जरूरत है और अपने हर वो सपने को, अधूरे सपने को पूरे करने कैसे हम करेंगे, इसके लिए उच्च विचार और सबों का सोच कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, ये मन ये करना है। तो मैं पूरे टीम की ओर से सुशीला मैम को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनके लिए एक बात कहूंगा कि क्या फर्क होता है खुदा और फकीर में, क्या फर्क होता है खुदा और फकीर में, क्या फर्क होता है किस्मत और लकीर में, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं उनको ये दिल के भाव समझ जा रहा हूँ, इरादों को लेकर के मैं कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में है ख्वाब वो ना तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी आपको कामयाबी, सितारे चुनने के लिए जमीन ना छोड़ना, अपने हौसलों के बल पर आप अपनी प्रतिभा दिखा देना, भले कोई मंच ना दे आपको, आप मंच खुद बना लेना। ये मैं भगवान से मनोकामना करता हूँ और मंगल आशीर्वाद देता हूँ कि आप वाकई जानदार शानदार लीडर है, पकवान इंटरनेशनल में धीरे की भांति आपकी चमक होगी। दिस इज माई प्रोमिस। मैं करना चाहूंगा अपने द ग्रेट लीडर महागुरु गिरधारी सदगुरु, क्योंकि इनकी जो वाणी है बहुत ही सराहनीय है, तोड़ नहीं है इनका कोई, क्योंकि मैंने देखा है इनकी बात निराली है। तो मैं परम आदरणीय हमारे महागुरु गिरधारी माधव सर कमल मंडला स्टेज, तो प्लीज हेल्प टुगेदर गिरधारी सर कमल मंडला स्टेज। नारी शक्तियों को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं गिरधारी महतो नावड़ी दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि परलोक पैसों का समुद्र है, इस समुद्र में कूद जाना है और यहाँ से हीरे मोती जवाहरात सभी प्रकार की चीजें हैं, जो चाहो यहाँ से आप पा सकते हैं। ये जो भी हम लोग गूगल मीट जो स्टार्टिंग किए हैं, एक छोटी सी विक्ट्री स्कूल है, यानी कि यहाँ से हम लोगों को बहुत सारा चीज सीखने का, बोलने का एक तजुर्बा अनुभव यहाँ से हम लोग सीख पा रहे हैं, सब कोई एक बोलने का, एक समझने का,
चाहे जितने भी ही लोग हम लोग हैं, यहाँ से एक आपको स्टार्टिंग यानी कि लर्निंग सीखने की एक शुरुआत पहली प्राथमिक कक्षा आई, यहाँ से हम लोगों को बहुत कुछ सीखनी है और सीखते सीखते हम लोग अपर क्लास तक पहुँचने। दोस्तों कहते हैं ना कि आग लगा लो सीने में जब तक ना आ जाए लाख रुपया महीने में। हम लोगों को अपना सीने में आग इस तरह से लगानी है कि जब तक नहीं महीने में कम से कम लाख रुपया ना आना शुरू हो जाए, तब तक हम लोग परवान का जो है सो आन बान शान मार्केटिंग प्लान और ये गूगल मीट के माध्यम से हम लोग सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे लोगों को। तो मैं कहना चाह रहा था कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग कल जो मैं कुछ दो प्रश्न दिए थे जिसके कारण शायद बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन किए, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जहाँ से हम कुछ सीखते हैं वहाँ से कुछ आकलन के लिए कुछ होना चाहिए, मूल्यांकन उसकी कुछ कुछ ना कुछ होना चाहिए, प्रश्न कुछ ना कुछ होना चाहिए, वही प्रश्न से आपको जो है सो आंसरिंग मिलेगा, वही आंसरिंग आपको जो है सो कुछ सीखने सिखाने का जो है सो यहाँ मैंने आपके दिमाग में आएगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तो पर कोरल तो लगभग हमको लगता है कि सभी यहाँ मात्र एक राम नरेश जी, पता नहीं किस रेंज में है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दो क्वेश्चन रखा था कल कि यदि 10 आईडी हम लोग लगा लेते हैं तो हम लोग बोनांजा नहीं ये प्लान वन का कौन सा रैंक को अपग्रेड कर सकते हैं, और दूसरा था बिग बोनांजा 2020 में कितने रैंक हैं और कितने से अपग्रेड होते हैं। यही मैं दो क्वेश्चन किया था जो एकदम साधारण क्वेश्चन था। मैं जानना चाहता हूँ राम नरेश सर से कि सर ये दोनों के क्या आप जवाब दे पाएंगे, मैं जानना चाहता हूँ। यदि आप इसकी जवाब दे सकते हैं तो आप अनम्यूट होकर के कृपया बताने के लिए कोशिश करें 2 मिनट। राम नरेश सर सर यस यस, यदि हम 10 आईडी लगा लेते हैं तो कौन सा रैंक को हम अपग्रेड कर पाएंगे। 10 आईडी अगर लगा लेते हैं तो हम अपना जो है कोरल अपडेट कर लेंगे, 4 लगा के पर्ल करेंगे, कोरल करेंगे फिर 4 लगा करके और आगे के और रेगुलाइट आप 10 आईडी में आपके पास मैं कहने का मतलब है कितने डीपी आपके पास आ जाएंगे। अच्छा डीपी सर, डीपी आ जाएंगे हमारे पास एक एक आईडी पे सर 15 डीपी मिलता है, 15.5 हो जाएगा। तो प्लान वन का कौन कौन सा रैंक आप अपग्रेड कर पाएंगे। तो सर 30 डीपी से मेरा फर्म हो जाएगा और 40 डीपी से फर्म हो जाएगा और 100 डीपी से हमारा जो है ओनेक्स होगा। सर बहुत फायदे से जानकारी राम में सर नहीं है, हमें नहीं है ना कि जानकारी पूरी नहीं जानकारी तो दी है, बहुत जानकारी दी है लेकिन सर कंफ्यूज हो गए हम सर। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं जानना चाह रहा था, यही तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या हो आप लोग कितने अभी तक जानकारी लिए हैं। मैं इसका जवाब आपको जो है सो दे रहा हूँ। आपके पास अगर यदि 10 आईडी आप लगा लेते हैं क्योंकि पर तो ऑलरेडी आप हैं ही, वहां तो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे ही आप 10 डायरेक्ट अपने अंदर में लगा लेते हैं तो आपके पास $15 आ गया, $150।
आपका क्या था कि आप यहाँ पर आप 10 जोन लगा चुके हैं, तो जब आपका जब 6 जोन को ऑलरेडी से बढ़ा चुके हैं आप, अभी भी आपके पास 100 डॉलर बचा हुआ है, 100 में 50 डॉलर चला गया, कितना बचा आपके पास? 100। तो 100 में आप कोरल मार सकते हैं। हम पलटने की बात किए थे, इसलिए आप कोरल और जा सकते हैं इजी से। जी बात को चलिए थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन का कि बिग बोनांजा 2020 में कितने रैंक हैं और कितने से अपग्रेड होते हैं, कितने कितने से अपग्रेड होते हैं जरा बताइए। तो सिलाना क्या कर रहा है आपको दूसरा क्वेश्चन बनाते आपसे जवाब चाहते हैं कि बिग बोनांजा 2020 में कितने रैंक हैं, सभी रैंकों का नाम हम जानना चाहते हैं, प्लस वो कितने कितने से अपग्रेड होते हैं ये भी जानना चाहते हैं आपके मुझसे। चौथा है बेरिन, ये 200 से, और पांचवा है सचिन, ये 500 से। टोटल कितना हो गया मैम? टोटल कितने रेडी हो गया? मुंह में याद रखना 8,700। हाँ, ये टोटल 8,700 हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से अपना जोश, ये सारा चीज जो है आपको याद रखने की जरूरत है ना, ठीक है? और इस प्रकार से हम लोग यहाँ अभी क्या हुआ कि ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, तो शायद मुझे लगता है कि आप दोनों आप लोग भूल पाएंगे, दोनों चीज हमेशा आपके बीच याद रहेगा। शिक्षक किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना देता है, लेकिन शिक्षक अपने जगह पर शिक्षक ही है, टीचर ही है, लेकिन दूसरों को जगह तक पहुंचा देती है। विद्या बांटने से विद्या कम नहीं होती है। हम यहाँ से जितनी बार परवान के सिस्टम के बारे में बताते हैं, हमको और इसमें डीपली नॉलेज और कंठस्थ होते जाता है। मुझे किसी प्रकार की कोई किताब देखने की जरूरत नहीं, कोई कॉपी लिखने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सारा चीज आपको जो मुख में याद रहेगा, कोई भी कैसे क्वेश्चन कर देगा तो उसका जवाब हम खड़े खड़े दे सकते हैं। वैसा जवाब आप लोगों को भी देना है जब आपके बीच मार्केट में जब आपके पर कोरल ऑनर्स होंगे और जब आपसे क्वेश्चन करेंगे कि सर इसका जवाब क्या होगा, तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। ऐसा बनना बिल्कुल परफेक्ट है। आपको जाना है और जाना तो निश्चित है, जिसकी भी आईडी पर में लग गई है उसको रूबी तक जाना ही जाना है, ऐसा सिस्टम ही बनाया है। भले वो आज काम नहीं कर रहा हो पर लेकिन उसको एक ना एक दिन रूबी जाना है, क्योंकि वैसा सिस्टम ही डेनियल जॉनसन ने बनाया है। अब बताइए क्यों कि चार आईडी किसी का भी वो अपने रिलेशन हो, परिवार हो, किसी का भी लगा के रूप कोरल पहुंच जाएगा। अब सोचता होगा शुरू में कि हम तो कोरल नहीं बनेंगे, नहीं बन पाएंगे, उसकी मजबूरी हो गई कोरल बनना,
तब जाकर के वो $500 को निकासी कर पाएंगे। अब जब कोरल बन गया तो कभी कह पाएगा कि हम ऑनेक्स नहीं बन पाएंगे? जब तक नहीं वो ऑनेक्स में अपनी आईडी को अपग्रेड करते हैं और जब तक नहीं उसमें और दो आईडी जब तक नहीं बढ़ाते हैं तब तक वो कोरल का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो इतना जान लीजिए कि वो आपका डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो वो रूबी तक तो पहुंचेंगे। दूसरी बात है दोस्त, इस आज की टेक्नोलॉजी का ही हम लोगों का बहुत अच्छा सिस्टम मिला है और हम लोग आज एक अच्छे जगह पर हैं। क्यों? हम लोगों ने बहुत एक चीज में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आज छह महीना पहले आया हो या दो महीना पहले या तीन महीना पहले आया हो इस सिस्टम में, लेकिन अभी मैं एक उदाहरण एक एग्जांपल प्रस्तुत करता हूँ। अभी सुशीला मैम एक्सेंचर का दौर राउंड आ गया है, तो ये जानते हैं ये एक्सेंचर का ये सीनियर हो गया हमसे भी, बीए सर से भी, बीए पंडित से भी, यानी कि ये सबका सीनियर हो गए। यदि बीए पंडित का 2:28:29 में लगा है यूएसए के टाइम में, तो सोचिए कि सुशीला मैम का 2:22:23 में या जो मिनट में लगा तो सोचिए वो उनके लिए सीनियर हो गया। क्या सिस्टम है? क्योंकि सबसे पहले सिस्टम में पैसा आएगा तो किसके पास आएगा? सुशीला मैम के पास, विजय पंडित के पास तो बाद में आएगा, हमारे पास तो बाद में आएगा, विजय पंडित के विजय बल्ला के पास तो बाद में आएगा। तो सीनियर कौन हो गया? देखे कैसी बनाया सिस्टम, जो अपग्रेडेशन करने का ये तोहफा, ये तोहफा से हम लोग को चुकना नहीं चाहिए। आज थोड़ी देर के लिए भी सुशीला मैम मगर के लिए चुक जाती, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से मिस हो जाती। आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं जब आपके पास साल दो साल में करोड़ों रुपया जब आपके पास घुस जाएगा, आपका मन कैसा होगा, हम लोगों का मन कैसा होगा? आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कभी आपका मन करेगा कि मुझे कहाँ बिल्डिंग लेना, कहाँ मुझे बीएमडब्ल्यू लेना है, कहाँ मुझे फ्लैट लेना है, मुझे कहाँ होटल बनानी है। लेकिन ये सिस्टम को मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ। क्या बोलूं, भगवान के बारे में बहुत कम बताता हूँ तो सोचिए बहुत ज्यादा है। इसलिए दोस्त, टाइम भी साढ़े बारह प्लस होने चला, समय को पाबंदी है, थोड़ा देखते हुए मैं समय को यहीं पर देखते हुए अपनी पलवान के आज के कार्यक्रम को फुल स्टॉप देता हूँ। जय पलवान, जय भारत, और मैं आपको धन्यवाद रतन सर को करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू रतन सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परमादरणीय हमारे विधायक सर जी। एक बात की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, सुशीला मैम की बात है वो हमारे झारखंड में पूरे झारखंड में सबसे टॉपर इसलिए है कि हमारे झारखंड में कभी वो इतनी कम समय में एक्सेसियर नहीं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने दो शब्द मैं उनके लिए जरूर कहूंगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भरी में, या भी सही वो भी सही वरदान नहीं मानूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। इनमें वो लगन, वो ताकत, वो जज्बा, वो कर्मठ इंसान है जिनके दिल में कभी किसी तरह का आरोप जोर तो नहीं पा है, और ये जिद्दी करके एक बार ले जिंदगी भर साथ
ऐसा कमेंट में लोग गुस्से कर लेते हैं। मैंने इनको देखा है, मैंने करीब से जाना है, मेरे परम मित्र। और वो मुझे दिखा देंगे एक बार कि मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चाहे भले आए या ना आए, वो खुद से बातें करेंगे और करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक उनकी दिल की संतुष्टि उनके दिल में ना हो जाए। मैं इन शब्दों के साथ बात करना चाहूंगा कि कब मुश्किलों से थोड़ा कठिन हो जाए, उनके लिए कह रहा हूँ, उनके लिए डेडिकेटेड है कि क्या जब मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, क्या जब चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए, मानना चाहते हो हमारे हिम्मत को, क्या जब आसमान से थोड़ा ऊंचा और उठ जाए, ये इनकी सोच है। मैं तो लीजिए, मैं बक्तर के साथ, मैं अपने परमानंदीय मित्र को आवाज करूंगा और मैं कहना चाहता हूँ अपने साथ मैं अपने नाम को बुला लेता हूँ और मैं आवाज में जा रहा हूँ मिस्टर विजय संतोष कमांड स्टेज, प्लीज हैंड टुगेदर कमांड सर, वेलकम है आपका, और अपने मुखार दिन से हम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रतन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मंच पर मुझे भी बोलने का स्वागत करने का जो तजुर्बा आपके पास है लाजमी है, और बहुत ही ग्रेट होस्ट आपका रहा, हमारे ग्रेट लीडर गिरधारी सर भी हमारे बीच ऐसे ऐसे वर्ड के उपयोग किए जो हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मीटिंग में ऐसे इस तरह होना चाहिए। दोस्तों हमारी कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आज तो नहीं रही, लेकिन उनकी यादें उनके जज्बे किसी किसी के नारी में बसे हैं आज भी। दोस्तों मैं तहे दिल से सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपने बानू कहना चाहूँगा, मैं विजय बेलदार विशेष एम्प्लाई हूँ, क्वार्टर नंबर 759 मुरादी कॉलोनी से निवासी हूँ। इस सेशन को स्टार्टअप लेने में बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ा मुझे, और शायद डिसीजन बहुत काफ़ी अच्छा सुनहरा मिला और मौका भी अच्छा मिला जो मैं इसे पूरा कर पा रहा हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक था बहुत बेस्ट, पर्ल वाइन किस लिए करें। कहते हैं ना दोस्त, आज की दौर जीत की ओर, सब कुछ मिलेगा यहाँ चली आए पर्ल वाइन की ओर। दोस्तों जो सीखेगा वो शिखर पर जाएगा, जो नहीं सीखेगा वो बिखर सा जाएगा। कहते हैं दोस्त पर्ल वाइन में सीखना है और सिखाना है, जितना और जिताना है, और सभी को जीत की ओर लेके जाना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्त कहते हैं जिंदगी में जंग बहुत है, जिंदगी में जंग बहुत है, पर हम सीखेंगे नहीं तो दोस्त जिंदगी का जंग जीतेंगे कैसे। क्योंकि कहते हैं कि मूर्खों को इकट्ठा करना बहुत आसान है, ले के चलना उतना ही मुश्किल है दोस्त, बड़ी मुश्किल है। क्योंकि जिंदगी की में हमारे साथ, जिंदगी में हमारे साथ बहुत सारे चीज़ जुड़े हुए हैं, सपने, परिवार, दोस्त, यार, ऐसे सब है जो हमारे स्वर्ग के द्वार है दोस्त, ये सब स्वर्ग के द्वार हैं। अगर आपको स्वर्ग का सुख चाहिए तो नर्क से गुजरना ही पड़ेगा। बिना नर्क गुजरे आप स्वर्ग के समय नहीं जा सकते हैं। नर्क क्या? बिना काम करते। हम लोग काम कहाँ से करते हैं, कर्म कहाँ से करते हैं? अपने परिवार से, अपने बच्चे से, अपनी जिससे लगाव है उस पर हम लोग कर्म करते हैं। जब तक वो नहीं करेंगे तो हमें सीख कैसे मिलेगी, कैसे हमको पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे करेंगे हम लोग? इस अनुसार से हम लोग उस पर निर्भर होकर हम लोग काम करते हैं, कर्म करते हैं, और उस कर्म का जो फल है हमारा, अगर पॉजिटिव कर्म रहा तो अच्छा फल हुआ जो स्वर्ग का द्वार खुलेगा, और अगर कर्म नेगेटिव रहा, यदि गंदा नरक रहा, तो आपका कर्म फल
विशुद्ध हो जाएगा और आपको नरक के द्वार की ओर लेके जाएगा दोस्तों। तो हमारा ये स्पीच कहते हैं दोस्त, पर्लमा इंटरनेशनल आपके बीच में एक ऐसा सिस्टम आ चुका, आज की जिंदगी जो जी रहे हैं हम लोग और जो जीते आए हैं उसको हम आज पीछे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे बीच ऐसा सेक्टर आ चुका है जिसे हम लोग अपना कर अपना पूरा परिवार को, अपने पूरा संगठन को एकजुट कर कर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और इसे लेकर चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जाग जाओ नौजवानों तेज आंधी आई है, जाग जाओ नौजवानों तेज आंधी आई है, जब जब युग बदला है क्रांति नौजवानों से आई है। जी हाँ दोस्तों, क्रांति नौजवानों से आई है दोस्तों। पर्लवाइन मोतियों का तार कहते हैं हम लोग, पर्लवाइन मोतियों का तार कहते हैं, उसी तरह हमारा जो परिवार है ना वो भी एक मोतियों का तार है, मोतियों का तार। जिस तरह हम लोग हमारे जीवन में मोतियों का तार का ऐसे रखें बिना आप सुख दिए, उन मोतियों को रखें सही सलामत बिना सुख दिए, आप परिवार को सुखी रखने के लिए अभी के जीवन में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है, बहुत पैसा इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि संसार में अगर जीना है दोस्त, इस युग में जीना है तो युग में पैसा चाहिए, बिना पैसे कमाए आप परिवार को सुखी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि संसार में संस्कार बहुत कम मिलता है और क्योंकि पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्त, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी पैसा कहते ना है दोस्त कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम पैसा खुदा से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, पैसा वाकई में अभी के युग में ज़्यादा महत्वपूर्ण होने की वजह से उन्हें खुदा ही मानने लगा। लेकिन दोस्त सुनिए सबकी, करिए मन की, सुनिए सबकी, करिए मन की, क्योंकि आपके अंदर में जो जज्बा है, आपके अंदर जो जुनून है, उसे एकदम अपने मन के आज्ञा से दिमाग के तराजू पर तोल कर उसे आप आगे बढ़िए, क्योंकि पैसा के पीछे भागना बहुत मूर्खता है, बहुत मूर्खता। हाँ पर्लमा इंटरनेशनल आपको पैसा देगी, बहुत बड़ा पैसा देगी, कैसे देगी, कहाँ से देगी, कैसे मिलेगा, कैसे कमाएंगे, इसके लिए दोस्त हमारे पास, हम लोगों के पास एक प्लान के रूप में ये मीटिंग है, जूम मीटिंग है, गूगल मीट है, ये सब सारे में अटेंड करके हम लोग सभी को इस सिस्टम के बारे में सीखना होगा। अगर हम सीख लेंगे तो जब चाहे तब हम वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर समुद्र में तैरना है दोस्त तो पहले आपको छोटा सा तालाब में तैर कर अपने हाथ पाँव चला के देखना होगा, अगर पार गए तो आप समुद्र के बीच में जा सकते हैं और जाने के बाद आप तय कर सकते हैं कि जिस जगह पर समुद्र में घूमना चाहेंगे आप वहाँ पर जाके घूम सकते हैं और बेधड़क आप वहाँ से हो सकते हैं, और वहाँ से आप में अगर जज्बा हो, अगर आप में जुनून हो तो समुद्र से भी आप मोती निकाल सकते हैं दोस्त, मोती भी निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज पर्लवाइन इंटरनेशनल आज हमारे बीच ऐसे रूप में आ चुकी है कि शायद अभी हमारे गिरधारी सर बता रहे हैं कि एक्सेल शेयर को लेकर दोस्तों, जी हाँ एक्सेल शेयर आने वाला समय में वाकई में सबको बहुत ही बड़े पैमाने पर लेकर जा रहा दोस्त, बहुत ही। अगर आप सिस्टम को समझ रहे हैं, सिस्टम को अगर सीख रहे हैं तो एकदम अंदर से स्टडी करिए, नोट जरूर बनाइए, नोट बनाते हुए आप सीखिए इसको, और जब सीख जाए दोस्त तो दहाड़ के बोलिए, क्योंकि जंगल का शेर जब दहाड़ता कब है, जब उसे मालूम हो जाता है कि जंगल का शेर मैं हूँ मैं। लेकिन दोस्त ऐसा शेर ना बने कि कल उठाकर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो शेर का आवाज़ नीचे नहीं गिर जाए, ऐसा शेर नहीं। शेर बना है तो एकदम प्लान के तहत, पर्लमा इंटरनेशनल का प्लान लिखना जरूरी है, लिख के पूरा प्लान को स्टडी कर लेना बहुत जरूरी है। जब प्लान आप पूरा लिख जाएंगे, स्टडी ऑटोमेटिक आपके अंदर से पूरा वो जज्बा मारने लगेगा। बिल्कुल प्लान इस तरह से है, कहते हैं दोस्त, नई क्रांति बंद भारत में आई जगाने है तुमको, नई क्रांति बंद भारत में आई जगाने है तुमको, पर्लवाइन की बंद भारत माँ ललकार रही है तुमको, दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, इस रोगों में खून है तो खोल जाना चाहिए।
इस रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हो गई है पीर पर्वत सी, अब हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, अब हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। जो सीने में आग है दोस्त, वो आग अब जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, क्योंकि पर्लवाइन के होते सभी को तकदीर बदलनी चाहिए, सभी को तकदीर बदलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज पर्लवाइन इंटरनेशनल एक दिव्य रूप में आ चुका है, जो आपको तकदीर बदलने बिना छोड़ेगा नहीं। आप एक बार सिस्टम में आते हैं, 2250 रुपये लगाकर सिस्टम में एंट्री लगाते हैं, आपको ये रूबी तक ले जाएगी। हमारे ग्रह साहब जस्ट बता भी रहे थे, अब मैं भी इस चीज़ को बताऊंगा कि आप अगर पर्ल हैं तो आपको रूबी तक भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नहीं जाएंगे तो आपको ये सिस्टम लेके चल जाएगी, ये सिस्टम लेके चल जाएगी आपको। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सिस्टम लेके चले जाएगी। दोस्तों कहते हैं, दर्द न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, अगर परिवार को दिल से प्यार करते हैं, आप परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार को, अपने जनरेशन को जो बड़ा चीज़ देख के जाएँ, तो बिल्कुल दोस्त आपके लिए पर्लवाइन खड़ा है, पर्लवाइन खड़ा आपके लिए है। हमने ज़िंदगी में बहुत सारे सेक्टर देखे, बहुत सारे बिजनेस किया, बहुत सारे चीज़ को देखा, आया गया देखा, लेकिन दोस्त मैं पर्लवाइन को पहली बार ऐसा सेक्टर को देखा हूं जो आज जज्बे के साथ और हुनर के और उस हुंकार के साथ आज मैं इस बातों को रखता हूं कि पर्लवाइन बिल नेवर एंड, पर्लवाइन बिल नेवर एंड। अगर आप जनरेशन को बहुत बड़ा चीज़ देना चाहते हैं तो आपको पर्लवाइन ही करना पड़ेगा दोस्त, अदर कोई चीज़ नहीं है, कोई भी सेक्टर आपको नहीं देगा, क्योंकि आपके स्पीच बहुत अच्छा सेक्टर आ चुका है दोस्त, बहुत अच्छा सेक्टर सोच रहा हूं, क्योंकि आपका लाइफ लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल जीना है दोस्तों, लाइफ स्टाइल की तरह रहना है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग को बीच में लाइफ स्टाइल जीने के लिए, लाइफ स्टाइल बनाने के लिए हमारा जो इक्वेशन है, जो हमारा सिस्टम है, वो हमको लाइफ चेंजिंग करेगा दोस्त, लाइफ चेंजिंग करेगा। इसीलिए दोस्तों, मैं समय ज़्यादा हो जाने की वजह से, और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आज का ये टॉपिक, आपका जितना भी जो सेशन, जो भी इस मंच पर आप लोग ने जो रखा है बातों को, आज कल ये YouTube पर लंच होने वाला है, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और मैं खुशहाल हूँ, मैं खुश हूँ कि हमारे मंच पर जो जो शब्द आपने रखे हैं, आप अपने इस शब्द को सराहने के लिए, और आपका शब्द दूर तक जाए, पूरा वर्ल्ड वाइज आपको देखे, उस वर्ल्ड वाइज से आप लोग को सराहनीय हो, और मेरे माध्यम से आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम ऊंचा हो, और आप बेधड़क बेहिचक आप एकदम बिंदास होके सिस्टम को करिए। सिस्टम में डरने की जगह कहीं पर नहीं दोस्त, कहीं डरने की जगह नहीं है, आप डरिए मत, यहाँ डरना नहीं है दोस्त, एकदम यहाँ पर डरना नहीं है, आज यहाँ पर डरने की जगह नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ ये विजय बेलदार आपको वचन देता है, 100% 100% गारंटी देता है कि कहीं भी सेक्टर में, किसी जगह भी कोई भी दिक्कत होगा, ये विजय बेलदार आपके सामने खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, विजय बेलदार आपके सामने खड़ा है। मैं इसी के साथ मैं अपने पानी को विराम दूंगा और मीटिंग की समाप्ति की ओर लेकर जाऊँगा, तो मैं इसके लिए होस्ट महोदय के कहूँगा कि 1 बज गया, आप लोग भली बात जानते हैं, मैं एम्प्लॉयमेंट हूँ, मैं सर्विसमैन हूं, मुझे और बहुत सारे काम होता है, फिर भी मैं अपनी वाणी को रखता हूं, आप लोग को एक साथ परिवार की तरह देखना चाहता हूं, इस गूगल मीट में एक साथ ला के हम आपको एक सूत्र में बांधना चाहता हूं। दोस्तों इस मीटिंग में बने रहिएगा, आते रहिएगा, मिलते रहिएगा, सभी को तहे दिल से नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के नमन है, और सभी को तहे दिल से नमस्कार करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, आज नहीं तो कल, कहते ना है दोस्त कि आज नहीं, आज नहीं तो कल, सॉरी आज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा लाइन मेरा घर में डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं इसे ज़्यादा क्या कहूँ, बस सभी को तहे दिल से नमस्कार, सब बने रहिएगा, आइएगा मीटिंग में, और रतन सर
होस्टिंग संभालिए अपना और मीटिंग की समाप्ति को लेकर चलिए, है ना। सभी को मंच पर सभी को तहे दिल से नमस्कार, कल फिर मिलेंगे दोबारा। रतन सर वेलकम टू स्टेज सर। धन्यवाद सर आपका, ये आपने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को मोटिवेशनल किया। अब मैं अपने महा आदरणीय हमारे महागुरु को आवाज देने जा रहा हूँ कि आप आए सर और मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करें। सभी से रिक्वेस्ट है सभी को वीडियो कॉलिंग में आ जाइए, हो सकता है लास्ट में वीडियो जब रिलीज होगा तो आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा, है ना, कि मैं वीडियो में शपथ ले रहा था और शपथ के माध्यम से इस चीज को देखा। इसको रिले कर देना है। हाँ इसको हम रिले करेंगे यूट्यूब पर, ठीक ना। मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है आज यहाँ पर, है ना, मेरा बिजली का थोड़ा डिस्टर्ब फंडा चल रहा है यहाँ पर। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप चलिए कोई बात नहीं है, समारोह आप चलिए चलिए शपथ ग्रहण करिए, शपथ ग्रहण कीजिए, माइक अनम्यूट कर दीजिए सब। मैं बनाऊंगा बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा शक नहीं, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, लीडर हूँ, मैं बनाऊंगा बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा शक नहीं, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, मैं लीडर हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय परलवाई। जय भारत, जय पलवान, जय पलवान, जय पलवान सर। राम नरेश कश्यप सर, राम नरेश कश्यप सर, कल आपको जो भी जानकारी चाहिए बेधड़क पूछना है सर। ओके सर, चलिए क्यूट हो जाइए सभी को, ओके ना, ओके सर, ओके 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 सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, ओके 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 सर, थैंक यू।